हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ दैन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गूगल मैप्स के थ्रू एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाने का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें। लाइकवाइज हम एक भी जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो गूगल मैप से अपन नोट करके देख सकते हैं और उसको अच्छी तरह से चेक करके देख सकते हैं कि कितना डिस्टेंस उनके बीच में है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको इसे थोड़ा सा एलोबरेट एक्सप्लोर करता हूँ। सबसे पहले हमें गूगल मैप्स को ओपन करना है। लीजिए, मैंने ओपन कर लिया। ओपन करते से ही वो आपकी लोकेशन भी ढूंढ लेगा, जैसे कोई भी पॉइंट से, जैसे ये जो वाइट कलर का राइट हैंड कॉर्नर पे नीचे की तरफ एक बटन है, उसको दबाते से ही आपकी लोकेशन, आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, उस लोकेशन को गूगल मैप्स लोकेट कर देगा। जैसे कि ये ब्लू पॉइंट आपको दिख रहा है। अब यहाँ से आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो ये ब्लू वाला बटन जो नीचे आपको दिख रहा है, इस पर आपको टैप करना है। यहाँ से आप कोई भी जगह को आप ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आप सबसे ऊपर देख रहे हैं फ्रॉम योर लोकेशन, मतलब आपकी लोकेशन से चूज़ डेस्टिनी, चूज़ डेस्टिनी को ऊपर क्लिक करना है। आप जहाँ भी जाना चाहते हैं आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। और अगर आप सर्च नहीं, जैसे कि मैं सर्च कर सकता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ स्टेडियम या स्टार जिम या कुछ भी, मतलब जिसमें मैं देख लेता हूँ। जैसे मैंने ये स्टेडियम डाला, ये देखिए होलकर स्टेडियम आ गया। इसको क्लिक करते से ही ये गूगल मैप्स अपने आप होलकर स्टेडियम जहाँ पर भी होगा उसको ढूंढ लेगा और उससे मेरा डिस्टेंस कैलकुलेट कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू पॉइंट से ये डिस्टेंस बता रहा है 11 मिनट का होलकर स्टेडियम, और उसके दो तीन रास्ते बता रहा है। इसमें ये तक भी बता रहा है कि कौन सा रास्ता स्लो है और कौन सा रास्ता फास्ट है और कौन सा कितना डिस्टेंस पड़ेगा। उसके बाद उसको आप ऊपर करके इसको नेविगेट भी कर सकते हैं। लाइकवाइज जैसे ये डिस्टेंस छोटा हो गया, फास्टेस्ट रूट ये ब्लू कलर का जो भी बता रहा है और जो इसमें येलो येलो के दिख रहे हैं, मतलब यहाँ थोड़ा ट्रैफिक हो सकता है, यूजुअल ट्रैफिक। उसके बाद योर लोकेशन से कैसे जाना है, मतलब यहाँ तक भी नेविगेट कर रहा है कि आप किस तरफ फेस किए हुए हैं, उसके बाद कहाँ से आपको राइट लेना है, कहाँ से लेफ़्ट लेना है, ये सारी चीज़ें आपको बता रहा है। ये आप देख सकते हैं और आप देखते हुए भी जा सकते हैं, और इस नेविगेट बटन को दबा देंगे तो आपको वो वॉइस के थ्रू भी मैसेज करते रहेगा कि आप यहाँ से राइट हुई, यहाँ से लेफ़्ट हुई। इसे मैं डाउन कर देता हूँ। ये देखिए डिस्टेंस आप देख सकते हैं। ऊपर कार से आप देख सकते हैं कि कार मतलब अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, ऊपर आप देख सकते हैं। और ये देखिए तीसरा जो है कि अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो पैदल कितना टाइम लेगा। ये देखिए पैदल भी 2.7 किलोमीटर, और ये देखिए ये चीज़ थोड़ा नोट कीजिएगा, पैदल 35 मिनट लग रहा है। ये चीज़ थोड़ा जैसे नोट, वहाँ पे बाय रोड का डिस्टेंस 3.5 किलोमीटर था और बाय वॉकिंग का 2.7। ये डिफर इसलिए किया क्योंकि आप जब पैदल चलते हैं तो कई शॉर्टकट्स को आप ले सकते हैं जो कि आप व्हीकल से नहीं ले सकते। उसी चीज़ को कैलकुलेट करते हुए ये आपका डिस्टेंस बता रहा है। ये देखिए ये डॉट 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 बता रहा है, इसका मतलब यही है कि यहाँ से आप शॉर्टकट ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ से पूरा डिस्टेंस आ जाएगा, वॉकिंग डिस्टेंस। और उसके बाद आप कहीं भी जाना चाहते हैं, अब जैसे कि मैं नहीं भी वहाँ जाना चाह रहा हूँ, इसमें वापस से फ्रॉम आयर लोकेशन से वापस वहाँ क्लिक करूँगा। मैं कहीं दूसरी जगह जाना चाह रहा हूँ जो कि मेरे ख्याल गूगल मैप से रजिस्टर नहीं होगी, तो मैं इसको चूज़ ऑन मैप कर सकता हूँ। चूज़ ऑन मैप कर दिया, अब मैं कोई भी लोकेशन, सॉरी मेरे इससे मैं अपने पहले यहाँ लोकेशन पे आ गया। ये जो रेड कलर का आपको ये बैलून टाइप का आइकन दिखा, जहाँ भी मार्क करेंगे मतलब आप वहाँ जाना चाहते हैं। लाइकवाइज मैं साकेत स्क्वायर जाना चाहता हूँ फॉर एन एग्जांपल, इसे मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए ये अपने आप यहाँ से डिस्टेंस बता देगा, वॉकिंग डिस्टेंस भी बता रहा है 1.7 किलोमीटर वाया तिलक नगर मेन रोड, और अलग अलग तरीके हैं। और मैं अगर ये फर्स्ट वाला आइकन दबाता हूँ कि ट्रांसपोर्ट से, अपनी बाइक से, अपनी कार से मैं जाना चाहूँ, तो ये 8 मिनट का रास्ता है 1.9 किलोमीटर। ये देखिए फिर यहाँ पर थोड़ा सा डिफर किया है डिस्टेंस इसलिए डिफर किया है कि पैदल चलने में आप कई शॉर्टकट्स ले सकते हैं। उसके बाद आप से कई सारे तरीके हैं, और इस चीज़ को, इस लोकेशन को आप, सबसे अच्छी बात है कि आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। इस मतलब इस लोकेशन को भी, इस रास्ते को भी आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। गूगल मैप आपको ये भी सर्विस देता है, जैसे आप किसी भी कोने में हो, आपका कोई भी फ्रेंड कोई दूसरे शहर में हो जिसकी शहर की जानकारी उसको नहीं पता है लेकिन आप जानते हैं, तो आप यहीं से उसको वहाँ से जाने का रास्ता बताकर, यहाँ से इसी तरीके से बताकर उसके साथ शेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर है गूगल मैप्स का, ये बहुत ही मस्त चीज़ है। गूगल मैप्स आई थिंक गूगल की वन ऑफ सबसे बेस्ट सर्विसेज में एक है और बेस्ट यूज़फुल चीज़ें हैं। वेरी थैंक यू।